हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जीरा आलू। जीरा आलू कोई एक स्पेशल सब्जी नहीं है, मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल, क्योंकि तो जो आलू की सब्जी है ना, वो सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सरसों का तेल। आप मूँगफली का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी तेल हो आपके पास में वो आप डाल सकते हैं। तो ये तेल गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें जीरा। तेल थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा काम में लेंगे, क्योंकि हमें उबले हुए आलू की सब्जी तो बनानी नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, धुआं निकलने लग गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेते हैं। जीरा के साथ में हम इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं सौंफ। ये हमने थोड़ी सी डाली है सौंफ, और इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन खुशबू के लिए। जीरा और सौंफ अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसमें लिया है मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच मैं यहाँ पर लूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च हम थोड़ी सी कम लेंगे। इसमें ज़्यादा लाल मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया लाल मिर्च। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, फिर टेस्ट कर लेंगे। कम ज़्यादा होगा तो फिर बाद में और नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों को। तेल थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है, और ताकि सारे मसाले आलू में अच्छे से चिपक जाए। बस इसको कम आंच पर हमको अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी और थोड़ा सा पुदीना। ये डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने के बाद में। इसको अच्छे से हम वापस से एक बार हिला लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं। हल्का सा खटाई के लिए हमने यहाँ पर डालना है थोड़ी अमचूर पाउडर। बस अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये जीरा आलू की सब्जी बनकर तैयार है। कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। बच्चों के टिफिन के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों को पसंद भी आती है आलू की सब्जी। वैसे बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें डाल देते हैं हम फ्रेश हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया डाल के ये डाल दिया धनिया। ये आपकी सब्जी बनकर तैयार है।